ले भैया आ चुके हैं हम लोग का पेप्सी लेकर। और यहाँ पे कितने लोग हैं पीने के लिए? नेम भैया जी बहुत लोग हैं। आओ भैया, तू गलत जगह चल के ले लाओ। हाँ आइए पिएगे भाई। अरे यादव नगर डले गोकुल धाम, लोकेशन डाल दे बता। हैं 750 ml, 750 ml का दो बोतल है। तो जो महादेव चाट एंड फैमिली रेस्टोरेंट से है, ये दोनों का पार्टनर है, जोमेटो का भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग आए थे इधर, मतलब जिधर पहले क्रिकेट खेलते थे, फिलहाल अब नहीं खेलते इधर, क्योंकि पूरा इधर मतलब घर और बन गया है। बस यही थोड़ा बहुत जगह बचा है जो कि हम लोग यहाँ पे आकर बैठे हुए थे। और ये नेम भी आए सोए हैं और पीछे अजय है। और आज हम लोग क्रिकेट भी नहीं खेलने, नहीं तो दोपहर में क्रिकेट खेलते और धूप भी बहुत तेज लग रहा है। तो अभी ना हम लोग जोमेटो से मंगाए हैं माउंटेन ड्यू, उसी का वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कब तक आता है। अभी सबका ओट्स का हुआ है उसको पीने के लिए, मतलब जो माउंटेन ड्यू है, इसीलिए अभी तक उसका वेट कर रहे हैं। तो इधर बाकी सब सोए हुए, कमी इधर जमीन बचा है, मतलब जो कि हमारा भी नहीं है। बाकी इधर देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राउंड था पहले, मतलब आज से 5 साल पहले, जो कि इधर अब वो सब जिसका जमीन था, मतलब इधर मेरा भी जमीन था, सब बेचा गया है। और बाकी सब जो खरीदे हैं वो सब घर बनवा लिए हैं। तो यहाँ पे अब क्रिकेट नहीं होता है, नहीं तो अभी तक क्रिकेट होता था पहले जब, लेकिन उस वक्त ब्लॉग नहीं करते थे। अब ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, लेकिन अब इधर क्रिकेट नहीं होता है। तो क्रिकेट होता है, आप देखें किधर होता है, उस साइड होता है, उधर हम लोग पिच बनाए हैं, तो उधर क्रिकेट खेलते हैं। अभी आज नहीं खेल रहे हैं, आज थोड़ा क्योंकि कुछ देर मतलब आज कुछ ज़्यादा ही धूप लग रहा था और बाकी सब आए भी नहीं थे, इसलिए क्रिकेट नहीं हुआ है। तो अभी वेट करते हैं माउंटेन ड्यू का। तो अभी 2 मिनट, अभी मतलब 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आ जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्शक भी आ गए हैं और जोमेटो वाले का कॉल हुआ। तो यहाँ पे जोमेटो वाले भैया आ चुके हैं हम लोग का पेप्सी लेकर। और यहाँ पे कितने लोग हैं पीने के लिए? नेम भैया जी बहुत लोग हैं। आओ भैया, तू गलत जगह चल के ले लाओ। हाँ आइए पिएगे भा। अरे यादव नगर डले गोकुल धाम, लोकेशन डाल दे बता। देखा भाई तू, ये यार हम लोग को ये घाटा में हो गया, मतलब ये 40 रुपये का आता है इधर से। और ऑनलाइन मंगाए हैं 750 ml, 750 ml का दो बोतल है, तो जो कि 111 का मिला है। और वो जोमेटो वाले भैया जा रहे हैं यार, गजब बात है। दाग तो ये नेम भी ओपन कर रहे हैं और सबको देंगे, सबको देंगे। यहाँ 30 रुपये घाटा हुआ, उनके 10 रुपये अच्छा आता। तो जोमेटो वालों को भैया, मतलब जोमेटो वाले भैया जो थे, 20 रुपये घाटा हुआ हम लोग को, फिर भी उनको 10 रुपये टिप दे दिए हैं हम। और यहाँ पे बट रहा है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी हो भाई, मैं माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। इतना मैं खुद अब देखा कोई रूपी नहीं, बात खत्म। निम्या पैसा, निम्या 50 रुपये पैसा भेज दिया, आधा मिलल ना। तो हम इनका जेबा चेक किए हैं, 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो उसी का सर थार गए थे ना, उसी का सर थार गए थे, तो इसलिए मंगा दिए हैं कोल्ड ड्रिंक। अपने जुबान के पक्के हैं हम, बाकी इसमें 50 रुपये निम्या भी लगाए हैं। चल हट, थोड़ा देखा मालिक बना तो ना, नहीं पूरा भरा यार, पहले पूरा भरा हमार। हाँ हाँ पूरा भरा यार, तू पाजो में पूरा भरा हमरो हो जाए बराबर करा दे। माउंटेन ड्यू पियो और कुछ भी कर जाओ, हाँ बिल्डिंग पहले कूद जाओ। बोलो लोग फोन कर, कदे अपन लेके जा, पानी भरा है मत वहां से। ये महादेव चाट एंड फैमिली रेस्टोरेंट से है, ये दोनों का पार्टनर है, जोमेटो का भी और स्विगी का भी। तो भोजू भी चौराहा वाराणसी से आया है, 2 लीटर मतलब 1.5 लीटर।
और कल हमारे नाम भैया पेप्सी मंगाने को कह रहे हैं, तो कल पेप्सी आएगा। और बाकी अब गर्मी आ गई है ना, तो ये हम लोग का मतलब बैठने का अड्डा बन चुका है, और इसी जगह अब हर एवरीडे आकर यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई खर्चा करेगा। और आज हम किए हैं, कल नम भैया की बारी है। नम भैया सब ब्लॉग में डालो। तो अब हम अपना शर्त निभा दिए हैं, मतलब जेबा चेक किए तो नहीं मिला तो मंगा दिए, पर यार गलत। तो ये हम लोग के मतलब बस खाली आलस के मारे कोई गया नहीं है, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ है, बाकी हम खुद ही नहीं तैयार हैं, बाकी कोई नहीं। और ये आ रहा है भोजीपुर से लेकर, और जस्ट इस रोड के पास में ना दुकान है, वहाँ भी मिल जाता, पर वहाँ पे कोई नहीं गया है। और जोमेटो सब जबरदस्ती मतलब हमसे मंगवा दिए हैं ऑनलाइन, ये निम भैया कहे हैं, और लेकर आ रहा है वो बंदा भोजीपुर से, मतलब पास में नहीं गए हम लोग, मंगा भोजीपुर से। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर, वो सब भी गए अपने घर, और ठंडा पीने के लिए सब रुके थे, तो जोमेटो से हम लोग ऑर्डर किया और आया माउंटेन ड्यू लेकर, और पिए एक एक गिलास, फिर आ गए अपने घर। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अभी दोपहर के बज चुके हैं दो, और यहाँ पे हमारे दो जो डॉगी है ना, जो कि हर घर, जो कि हर गांव में रहते हैं, वो सब हमें ही को देखकर भूख रहे, पता नहीं। तो अभी चलते हैं कुछ। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5, और इन सबको सानी पानी देना था, तो सानी पानी दे दिए, और ये सब अपना खा रही हैं। बाकी ये चार अपने जगह खा रही हैं, और ये जो एक गाय है ना अलग खाती है, क्योंकि सबको मारती है, इसलिए इसको अलग खाने दिया गया है। बाकी इधर दो बच्चे खा रहे थे, और मौसम देख सकते हैं इधर कोई नहीं है, एकदम बढ़िया। शाम हो चुके हैं, तो शाम में सब क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम भी चलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पर अकेले बैठा है, और इधर कोई नहीं है फिलहाल। अभी इधर एक भैया हैं, और इधर सोलो का क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर मतलब दो तीन लोग हैं जो कि सोलो का खेल रहे हैं। अभी बहुत लोग आ गए हैं, तो यहाँ पर टीम का क्रिकेट हो रहा है, और आसमान का व्यू कितना मस्त लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, मतलब देखकर शाम का मौसम तो। और ये मतलब टीम का मैच नहीं हो रहा है, सोलो का दो लोग खेल रहे हैं आपस में, तीन बॉल पर एक छक्का मारना है। तो ये दूसरी बॉल है जो कि छक्का नहीं गया, और एक तीसरी बॉल है, देखते हैं उस पर क्या होता है। ये तीसरी बॉल आ रही है, आखिरी बॉल, मतलब इसमें हो सकते हैं तो सिक्स मार दे या नहीं मारे, तो ये लास्ट बॉल, और इस पे भी सिक्स नहीं गया, चार रन जा रहा है बॉलर। ये बैट जी गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 7, और अंधेरा भी हो चुका है, तो जो मेरा शाम का काम रहता है जैसे गायों का दूध निकालना, वो निकाल लिया है, और बाकी क्रिकेट खेल कर आने में लेट हो गया है। मतलब वहाँ पे क्रिकेट इतना अच्छा होने लगा है कि वहीं पे मतलब क्रिकेट खेलने लगे हैं, तो लेट हो गया है, तो आकर तुरंत गायों का दूध निकालने लगा हूँ, नहीं तो उससे पहले भी ब्लॉग करता आई हूँ, ब्लॉग नहीं कर पाए। तो अभी 7 बज चुका है, और आधे घंटे में IPL शुरू हो जाएगा, जो कि आज मैच है RCB वर्सेस LSG, मतलब तो आज जो कि अच्छा मैच है, तो मैच देखने लग जाएंगे। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इसे पे एंड, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।